एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मायसेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि था आपका स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। उसमें हमने स्टडी किया कि एटम होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जो है आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, वो डिस्कवर कैसे हुए, एक्सपेरिमेंट क्या हुए उससे रिलेटेड, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो आपके जो एटम है उसमें अरेंज कैसे हैं, वो सब कुछ डिस्कस किया। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, साइंस डेवलप हो रही है, तो कुछ नए कंसेप्ट आए, जो क्या था, रदरफोर्ड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर पाया एक्सप्लेन। तो फिर क्या हुआ, नया मॉडल लिया, बोहर एटॉमिक मॉडल निकला। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स आई, जिसको एक्सप्लेन किया गया बाद में, तो वो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया पहले। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो उससे निकला कि जो आपका एटम है वो कैसा होता है, ड्यूल नेचर का। अब ड्यूल नेचर का मतलब, ठीक है, क्या होता है ड्यूल नेचर, ड्यूल मतलब दो। ठीक है, तो ये क्या है, वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। ठीक है, ये तो पता लग गया। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेन किया वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एक और कंसेप्ट आया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इसमें क्या पढ़ेंगे हम, वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन सबको सेटिस्फाई किया आपके बोहर एटॉमिक मॉडल ने। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे ड्यूल नेचर किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन, जिन्होंने क्या दिया कि जो आपका रेडिएशन है वो पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, कैसी रेडिएशन आपकी क्या है, पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर की होती है, इसकी वजह से उन्होंने दो चीजें एक्सप्लेन कर दी। एक किया उन्होंने रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा किया रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दी, बट वो दो चीजें और एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कौन कौन सी, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हुई कि जो आपकी रेडिएशन है वो कैसी होती है, वेव नेचर की। ठीक है, तो आज हम वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी रेडिएशन है वो वेव नेचर की क्या है, कैसे है, और वेव नेचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वैलिड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया, पार्टिकल नेचर की वजह से वो क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करता है। ठीक है, और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैसे शो हुई, वेव के नीचे। अब वेव क्या होती है, ठीक है, अब पानी देखा है किसने, जब आप उस पर पत्थर डालो, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है, जैसे कि वेव्स है पानी की, तो वो क्या है, एक के बाद थोड़ा डिफरेंट है, फिर नॉर्मल आ गया, फिर से ऊपर होगा, वैसे ही वेव है आपकी। जैसे कि यहां से स्टार्ट है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये क्या आई आपकी वेव। ठीक है, तो जो अपर पोर्शन है उसको बोलेंगे आप क्रस्ट, और जो नीचे पोर्शन है उसको बोलेंगे आप ट्रफ। ठीक है, इसके बेसिस पे जो वेव मोशन है आपका, ठीक है, तो वो उसमें क्या क्या चीजें वैलिड है, कौन कौन सी टर्म वैलिड होंगी, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है वेव लेंथ। ठीक है, जैसे कि ये है आपका, इसमें शो हुआ है, ठीक है, जो इसकी लेंथ होगी यहां से यहां तक, ठीक है, तो वो आगे लेंथ, नाम से ही पता लग रहा है, लंबाई होगी किसकी, वेव की। ठीक है, तो जो यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा आपकी वेव का, वो आगे आपकी वेव लेंथ। इसको शो कैसे करते हैं, इसका सिंबल है लैम्डा। ठीक है, और इसको कैसे चेक करते हैं, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम आता है आपका 10^10 मीटर, 1 माइक्रो आता है 10^-6 मीटर, ऐसे करके अलग अलग पैरामीटर से आप कैसे निकाल सकते हो वेव लेंथ, किसकी, वेव की। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर हुआ। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कोई पर्सन है, ठीक है,
वो क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है, इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली काम कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही जैसे कि वेव है, यहां से यहां तक कितने फ्रीक्वेंटली मूव करी वो आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है वी एंड एंड यू, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, एसआई यूनिट क्या है, किसका, फ्रीक्वेंसी का, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज सिंबल है। तो वन हर्ट्ज किसके बराबर होता है, वन हर्ट्ज होता है आपका वन साइकिल पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका सिंबल है हर्ट्ज, और वन हर्ट्ज किसके बराबर होता है, वन साइकिल पर सेकंड, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंटली कोई काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो कि कोई पर्सन है बहुत एटीट्यूड वाला है, मतलब वो कैसे काम करता है, मतलब उसका पारा हाई रहता है, बहुत एटीट्यूड, हाँ मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, वैसे बड़ा हाई लेवल, ठीक है। वैसे ही आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। क्रस्ट एंड ट्रफ की जितनी हाइट है उसको बोलेंगे आप एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है आपका ए, ठीक है। क्या आ गया, एम्पलीट्यूड, हाइट, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, कितनी हाइट है वो आ गया। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, ठीक है, वेलोसिटी आती है आपकी कितना डिस्टेंस कवर किया किसी वेव ने कितने टाइम में, ठीक है, वो आ गया आपकी वेलोसिटी। यहां से यहां तक कोई चीज गई तो कितनी स्पीड में गई, यहां तक उसने डिस्टेंस कवर किया कि यहां तक, वो किससे निकालोगे आप, वेलोसिटी से, ठीक है। अब वेलोसिटी किससे डिनोट करेंगे इसको, इसका सिंबल है सी, ठीक है। और यूनिट क्या बने, इसके यूनिट बने मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ आ गया वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट आता है वेव नंबर, ठीक है, क्या समझ आ रहा है वेव नंबर से आपको, ठीक है, वेव का नंबर कितना है, ठीक है, नंबर पता है ना, 1 2 3, ठीक है। अब देखो दो पर्सन है, एक है हाइट वाला, एक है छोटा सा, ठीक है, तो कौन पर्सन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा, अगर नॉर्मल डिस्टेंस दिया है, दोनों इक्वल स्पीड से चल पा रहे हैं, तो कौन डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जिसका वेवलेंथ जो जिसके लॉन्ग है, ठीक है, तो वैसे ही काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो इसका सिंबल आ गया आपका बार, ठीक है, एंड यू बार, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, वेव नंबर है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, ठीक है, फिर लेंथ के, ठीक है, जितनी लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर माना ज्यादा लंबी लेंथ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको ज्यादा जल्दी कवर कर पाएगा और उसके कदम बड़े होंगे, तो जैसे कि वेव नंबर है वो यहाँ से जैसे जैसे कि छोटी वेव है, ठीक है, छोटा पर्सन ले लिया तो ये कवर इतने से एरिया में कर लेगा, अगर बड़ा बंदा है तो वो इतना लेगा, ठीक है। तो ये किसके इनवर्सली हो गया, आपके वेव नंबर के, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि रिलेशन क्या है किसके बीच में, वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेव नंबर, जो अभी हमने पैरामीटर किए, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन क्या आ गया, आपको पता है वेव नंबर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वेवलेंथ के, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, देखो जैसे सी है इक्वल लैम्डा इनटू वी, वी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, वन अपॉन लैम्डा कितना हुआ, देखो वेव बार, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, वी इक्वल टू क्या आ जाएगी, सी बार, ठीक है। रिलेशन समझ आ गया ना कैसा है, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे के बीच में कैसा है, ठीक है। वैसे ही वेव लेंथ, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड क्या रिलेशन कैसा है, ठीक है, वो आ गया वी इक्वल टू सी बार, ठीक है। ये तो समझ आ गया आपको वेव क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब जो रेडिएशन है वो कैसी है, ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ लिया जो लाइट है
वेव्स है नेचर की होती है लाइट का, और पार्टिकल नेचर होता है, किस किस ने एक्सप्लेन किया वो भी पढ़ लिया। अब क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, इलेक्ट्रिक नेचर की बात की है, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की गई है, और रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, किसने दिया था, किसने डिस्कवरी की, एक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ठीक है, जिन्होंने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, मतलब इलेक्ट्रिक नेचर भी होता है और मैग्नेटिक नेचर भी होता है। अब कैसे होता है, जो साइंस है आपको पता है बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं चलती है, ठीक है, तो कैसे नेचर का हुआ, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैसे नेचर के हैं, अभी पढ़ा, कैसे है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और क्या जो स्पीड है लाइट की सब जगह क्या होगी, सेम होगी, उसकी वैल्यू आई आपकी जैसे सी है वेलोसिटी डिस्टेंस कवर बाय, अभी क्या ये कंसेप्ट आपके यूज होंगे, ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपने किया था, वेलोसिटी के यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर एग्जैक्ट वैल्यू 300 नहीं है, वैल्यू है आपकी 2.9978×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो क्या था, हमने सिग्निफिकेंट फिगर पे लगा था, तो उसमें क्या बोला गया है, जो आपकी वैल्यू होती है उसको आप राउंड ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो इसकी राउंड ऑफ करके क्या आई 3 आई, ठीक है, तो ये भी पता लग गया। फिर नेक्स्ट जो रेज है रेडिएशन है, ठीक है, इनको ना ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, नॉट मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका, कि क्वेश्चन आता है जैसे कि जो लाइट है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, या साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो साउंड को मीडियम चाहिए होता है बट रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता है। एक क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम में क्या लाइट ट्रैवल करती है, क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे क्या है, लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, क्योंकि उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है कि जहां से वो ट्रैवल कर पाए, ठीक है, तो ये समझ आ गया, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इनकी ना जो हमें दिखती है, ठीक है, जो हमारे में रेडिएशन होती है, जैसे कि कोई मतलब इंसान बना दिया भगवान ने, ठीक है, वो अलग अलग नेचर का होता है ना, वैसे ही रेडिएशन है जो एक दूसरे से वेरी करती है, ठीक है, कैसे, ठीक है, और उसको बोला क्या क्या है, जैसे कि गॉड ने बनाए हैं, ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है ना, एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट है तो उसमें जैसे कि मेल है फीमेल है, पर फीमेल में भी कितनी वैरायटी है, मेल में भी कितनी वैरायटी है, वैसे ही जो आपकी रेडिएशन है, ठीक है, उसको जैसे कि अलग अलग टाइप की हैं, तो जो रेडिएशन है जो उसका पैटर्न है जिसमें वो अरेंज है कि इतने टाइप्स की हैं, इस नेचर के ये आ गए, इस नेचर के ये आ गए, इस नेचर के ये आ गए, ठीक है, तो उसको बोला गया आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, जिसमें क्या है आपकी ही रेडिएशन अरेंज है, ठीक है, इधर से उधर देखो, पिक्चर में देखो रेडिएशन है, फर्स्ट आ गई कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, ठीक है, फिर क्या आई अल्ट्रावायलेट रे, फिर आई विजिबल रे, फिर आ गई इंफ्रारेड रे, फिर आई माइक्रोवेव,
विराई रेडियो वेव, ठीक है। ये पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न वेरी कैसे करता है? ये पैटर्न वेरी करता है वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग, जैसे कि अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो उसके हिसाब से रेडिएशन वेरी की गई है, ठीक है। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो एक दूसरे में वेरी करता है ना अलग अलग पैटर्न में, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये आ गया, फिर क्या हुआ, जैसे कि ये तो पता लग गया रेंज, बट जो हमें दिखता है रेंज, ठीक है, देखो विजिबल रेंज है, कितना सा एरिया है, हमें सिर्फ इतना ही एरिया की देखते हैं और वेव्स दिखती है। क्या हमारे काम की है ये? यस, हमारे काम की है ये रेज भी, ठीक है। एक्सरे करवाते हो, क्यों करवाते हो? इंटरनल पार्ट दिखने के लिए, ठीक है। और रेडियो वेव का कहाँ यूज करते हो? ब्रॉडबैंड होते हैं, रेडियो चलता है, फ्रीक्वेंसी से चलती हैं चीजें, फोन पे बात करते हो, ये सब कुछ कैसा है? रेडियो वेव है, ठीक है। ये सब कुछ रेडिएशन है, वो यूज होती है हमारी लाइफ में, बट विजिबल जो हम देखते हैं वो एरिया बहुत कम है, ठीक है। और जो जो विजिबल रीजन है उसके इस साइड की क्या है, क्या आगे अल्ट्रा है, और जो उसकी है वो क्या है, इंफ्रारेज, ठीक है। वेरी किससे है? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो विजिबल रीजन है तो जो कलर दिख रहे हैं उसका रेंज है ना, ठीक है, कैसा है, विविग्रो नाम दिया गया है, ठीक है, वॉयलेट, फिर सबसे लास्ट में क्या आ गया, रेड, ठीक है। कैसे वेरी है एक दूसरे से? जो आपका रेड कलर है, देखो वॉयलेट और रेड में क्या फर्क है, देखते हो ना अपने चारों ओर कलर, रेड कलर भी देखते हो, वॉयलेट कलर भी देखते हो, तो क्या फर्क है? रेड कलर क्या होता है? दूर से दिखाई देता है, और वॉयलेट कलर लाइट कलर होता है। देखो एम्बुलेंस में या रेड सिग्नल कहाँ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो दूर से दिखता है, तो इन दोनों में क्या वेरिएशन है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में भी जैसे अरेंज किए गए हैं आपके, तो क्या है, वॉयलेट एक साइड है, रेड क्या है, दूसरे साइड है, ठीक है ना, तो किससे वेरी है, ठीक है। जो रेड कलर है उसकी क्या होती है, कलर है आपका, उसकी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या पता लगी कि वो कितने जल्दी फास्ट मूव किया, तो क्या है, मिनिमम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करी वेव तो वो बहुत ही स्लो मूव कर रही है, ठीक है। और क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, लॉन्ग वेवलेंथ है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप खड़े हो कहीं पे, गाड़ी क्या हुई, फास्ट क्रॉस की, तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या है, अगर गाड़ी स्लो स्लो जा रही है तो आप उसकी क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गाड़ी कौन सी है, कलर कौन सा है। अगर थोड़ी नॉर्मल स्पीड में चली है तो आप पता लगा लो है कौन, अगर वही बहुत स्पीड में चली जाए तो पता लगा सकते, नहीं पता लगा सकते। वैसे ही जो रेड कलर है हमें दूर से दिखता है, तभी तो सिग्नल्स में रेड कलर होता है, क्योंकि मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी मिनिमम है, या कि 4.0 × 10⁻¹⁴ कितनी आई, हर्ट्ज, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, देखो आपके स्पेक्ट्रम में भी है, क्या है मैक्सिमम, क्या है वेवलेंथ, तो कितनी है, 720 नैनोमीटर, ठीक है। अब वॉयलेट कलर कैसे वेरी है, ठीक है, जैसे कि अब कोई चीज है, ठीक है, वो अगर छोटी होगी, देखिए छोटी बॉल होगी वो फास्ट मूव करेगी, और जो बड़ी बॉल होगी उसको मूव करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसकी क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप जैसे गाड़ी जा रही है तो आप उसको इजीली देख पाओगे अगर वो स्लो चली है, ठीक है। आप कलर ये भी नोटिस कर सकते हो कि उसके अंदर पर्सन बैठा है, कौन बैठा है, ठीक है। बट अगर वो गाड़ी बहुत फास्ट चल पड़ेगी, ठीक है, तो आप नोटिस शायद कलर ही नोटिस कर पाओगे, ठीक है। अगर कलर में भी वेरिएशन है तो वो भी आप नहीं पता लगा पाओगे, ठीक है। तो वायलेट कलर का क्या आ जाएगा, मैक्सिमम क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई आपकी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 0.5 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, और वेवलेंथ की मिनिमम वेवलेंथ किसे, इससे कम होगी, मिनी का मतलब छोटा, ठीक है। तो कितनी आ गई,
380 नैनोमीटर, ठीक है। अब आपको स्पेक्ट्रम में क्लियर हो रहा है, अब ये भी पता लग गया जो ये रेडिएशन है आपके यूजफुल है, ठीक है। बेशक हमारा विजिबल पोर्शन है वो कम है, ठीक है, बट और भी जो रेडिएशन है वो हमारे मतलब हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। तो पता लग गया जैसे रेडियो वेव है जो इसके लिए किसके ब्रॉडनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो वैसे ही और चीजों का भी आप ऐसे यूज करते हो। तो ये वेरीज किससे करती है, एक वेवलेंथ से, एक फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब आपको इस पिक्चर में आई थिंक क्लियरली शो हो रहा है कि क्या क्या फर्क है, ठीक है। तो ये रिमाइंड में रखना कि हमारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या है, ठीक है, उसकी रेंज ही कहाँ है, स्टार्ट कहाँ से है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, अगर वेवलेंथ ज्यादा है मतलब जल्द मतलब स्लोली स्लोली वर्क करेगा, ठीक है। अगर वेवलेंथ स्मॉल है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, जल्दी जल्दी कवर करेगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, येलो लाइट एमिट फ्रॉम ए सोडियम लैम्प, ठीक है। येलो लाइट कहाँ से एमिट हो रही है, सोडियम लैम्प से, ठीक है। हैज वेवलेंथ, ठीक है, क्या है 580 नैनोमीटर, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है उसकी, वेव नंबर, ठीक है, ऑफ हिज लाइट, लाइट का वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, अभी हमने सब कुछ कैलकुलेट किया, ठीक है, देखा ना वेलोसिटी, वेवलेंथ, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड और रिलेशन क्या है, सब कुछ पढ़ा। तो वही फॉर्मूले अप्लाई करके निकालेंगे हम आंसर। अब देखो फर्स्ट जो आपके पास दी गई है वैल्यू क्या दी है, वेव क्या दिया है, लेंथ, ठीक है। आपको पता है लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड में, और ये कितना है नैनोमीटर में, ठीक है, 580 नैनोमीटर। तो फर्स्टली आपका काम रहेगा इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, मीटर में, ठीक है। तो कैसे करोगे कन्वर्ट, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है आपका -9 मीटर, ठीक है। तो वैल्यू देख लो, नैनोमीटर चेंज हो जाएगा 580 × 9 मीटर, ठीक है। आपकी सी की वैल्यू, लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 0.2 × 10⁻¹ m/s। तो अब फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू क्या वैल्यू है, सी अपॉन ऑन लैम्डा, वैल्यू पुट करो 0.2 × 10⁻¹ m/s, और नीचे क्या आ जाएगा 580 × 10⁻¹ m, ठीक है, वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो मैं बता देती हूँ क्या वैल्यू आएगी, 5.17 × 10⁻¹¹ s, ठीक है, निकल गया। क्या निकला आपके पास, किसका सिंबल है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब वेव नंबर कैसे निकालोगे, ठीक है, वेव नंबर, ठीक है। तो फॉर्मूला फिट कीजिए, क्या है 1/λ, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ठीक है, भरिए 580 × 10⁻¹ m, ठीक है। तो क्या सॉल्व करके आई इसकी वैल्यू, पहले सॉल्व करते 0.72 × 10⁻¹⁶ m, ठीक है। पहले वो आगे क्या निकाला था हमें, वेवलेंथ और वेव नंबर, निकल गया ना, ठीक है, क्लियर हो गया, इजी था, वैल्यू पुट की सिर्फ, ठीक है। लाइट की वैल्यू हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, या तो यहाँ यूनिट गलत दे देंगे, यहाँ 8 की जगह 5, 6, 7 कैसे भी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अगर 3.00 की जगह वैल्यू क्या होगी, 2.9987 कुछ ऐसी भी होगी, तब आपका वो एग्जैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है आपका वो है ए सर्टेन रेडियो स्टेशन, ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी। आपको पता है रेडियो स्टेशन मतलब रेडियो वेव्स की बात की गई है, कहाँ से आगे आती है, विजिबल रीजन से आगे आती है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 980 kHz, ठीक है। एंड व्हाट इज अ वेव लेंथ, डायरेक्टली क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, वेव लेंथ निकालिए। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी वेव लेंथ निकाली थी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्ट बाय द रेडियो स्टेशन, ठीक है।
समझ गए रेडियो स्टेशन मतलब 720 अप्रोक्सीमेट से ज्यादा है, देखो 980 किलोहर्ट्ज़ है। तो क्या दिया है आपके पास पहले फ्रीक्वेंसी, ठीक है फ्रीक्वेंसी है आपकी किसमें है 980 किलोहर्ट्ज़। पहले तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है क्या करोगे ऐसे करोगे जैसे कि 980 इंटू 10^3 हर्ट्ज, ठीक है तो कितनी वैल्यू आ गई 983 हर्ट्ज, ठीक है वैल्यू कन्वर्ट होगी। अब क्या निकालना है आपको, देखो वेव लेंथ, ठीक है निकाली थी ना लास्ट क्वेश्चन में भी, वेव लेंथ क्या वैल्यू है सी इक्वल टू इंटू वी, तो आपको तो क्या निकाली है वेव लेंथ, तो कैसे निकालोगे इस साइड, तो क्या आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, ठीक है सी की वैल्यू पता है कितनी होती है 3.00×10^8 और मीटर पर सेकेंड, ठीक है और क्या है लैम्डा की वैल्यू क्या है 980×10^3 सेकेंड, ठीक है आ गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, खुद कैलकुलेट कीजिए, ठीक है बहुत इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है अभी मैं बता देती हूँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 306 मीटर, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ठीक है समझ आ गई क्या निकाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है हमने ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं तब भी आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में ये तो पढ़ लिया हमने लाइट के बारे में, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है इससे आप मेरी हर वीडियो को देख पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू स्टूडेंट्स।